रास्ता रोका। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से आज नामांकन करेंगे। वहीं सपा के सहयोगी दल सुभाषपा के जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर के नामांकन को लेकर सपा नेता उत्साहित हैं। आज ओम प्रकाश राजभर अपना नामांकन भरेंगे और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है पार्टी में। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से आज नामांकन भरेंगे और सपा के सहयोगी दल सुभाषपा के जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर के नामांकन को लेकर सपा नेता उत्साहित हैं। इस बार के चुनाव में सपा ने गठबंधन किया है ओम प्रकाश राजभर के साथ रालोद के साथ, तो ये देखा जा रहा है कि इस बार गठबंधन के जरिए वह फिर सत्ता में लौटना चाह रही है सपा। तो क्या ये गठबंधन सफल होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज गाजीपुर से जब नामांकन करेंगे तो काफी उत्साह देखने को मिलेगा सपा कार्यकर्ताओं में, सुभाषपा कार्यकर्ताओं में। तो कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है क्योंकि एक बार गठबंधन की सरकार जहां नामांकन करने जा रहे हैं आज ओम प्रकाश राजभर और ओपी राजभर के नामांकन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, वो चाहे सपा कार्यकर्ता हो या फिर सुभाषपा कार्यकर्ता हो। वहीं बीजेपी को लगातार घेरते हुए भी नजर आते ओपी राजभर, कई बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं ओपी राजभर और इस बार उनका समर्थन सपा को मिल रहा है। और जिस तरह से राजभर समाज का पूरा पूरा समर्थन ओपी राजभर को मिलता है और इसका समर्थन सीधे तौर पे सपा को भी मिलेगा, तो आज जब नामांकन भर रहे हैं तो राजभर समाज हो या फिर कार्यकर्ता हो सुभाषपा के या सपा के, सभी में उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, समाजवादी पार्टी ने कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, जहां आरएलडी के साथ भी गठबंधन किया है। जयंत चौधरी का चेहरा अब किसानों का समर्थन दिला पाने में सफल साबित होता है या नहीं सपा को, ये वक्त बताएगा। तो वहीं राजभर समाज को साधने के लिए ओपी राजभर को साथ लेकर चल रहे हैं। जहूराबाद सीट से आज नामांकन करेंगे, काफी अहम दिन है ये और नामांकन के पहले काफी प्रचार प्रसार भी हो चुका है अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और जीत के लिए कई कोशिशें करते हुए नजर आते रहते हैं सभी प्रत्याशियों। और जब ओपी राजभर खुद अपनी सीट से उतर रहे हैं, इस सीट से जब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जनता का कितना समर्थन मिलता है। तो गाजीपुर से ये खबर सामने आ रही है, गाजीपुर काफी अहम सीट भी है और इस पे बीजेपी की तरफ से भी काफी जोर आजमाइश की गई है। और पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके गाजीपुर से संवाददाता। पवन, आज नामांकन भरने जा रहे ओपी राजभर, तो क्या कुछ जानकारी है, कितनी देर में नामांकन करेंगे ओपी राजभर? की 10 फरवरी यानी कल के दिन कोई भी नामांकन नहीं हुआ, सिर्फ 32 नामांकन पत्र खरीदे गए और आज ओम प्रकाश राजभर और शिवगतुल्ला अंसारी ये दोनों लोग का नामांकन है आज जो है। और जैसा कि हम आपको आप हमारे पीछे देख सकती हैं कि सारे तरफ कड़ी सुरक्षा का पहरा भी है यहाँ प्रशासन द्वारा जी। और अभी तक भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ जो है अपना अभी प्रत्याशी खड़ा भी नहीं किया है जी। तो और कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं ओपी राजभर के सामने जो उनको टक्कर दे सकते हैं? मैम, जैसा कि हम आपको बता दें कि अभी ओम प्रकाश राजभर के सामने अभी ऐसा कोई मतलब प्रत्याशी भाजपा के पास, मतलब चेहरे तो बहुत है मैम, लेकिन अभी उनके मतलब सामने भी भाजपा अभी जो है कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं करी। अभी काफी जद्दोजहद चल रही है
ऐसे दो तीन विधानसभा है गाजीपुर में जहाँ पे अभी कुछ प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। जी पवन, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या बसपा या फिर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी उतारा गया है इस सीट पे? अभी मैम क्या कहते हैं गाजीपुर से सदर से जो है कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, रामलोटन निषाद जी हैं, उन्हें कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन उनके भी प्रत्याशी बनने से कांग्रेस जनों में काफी नाराजगी व्यक्त की थी। जी पवन, इस सीट से ओपी राजभर लड़ रहे हैं तो वहां पे जितना राजभर समाज को समर्थन मिलता है तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, और क्या उस सीट से कोई और प्रत्याशी जीत सकता है जहां से ओपी राजभर लड़ रहे हैं? जी देखिए, ओम प्रकाश राजभर जब 2017 में जब चुनाव लड़े थे तो भाजपा के सहयोगी दल थे, इससे चूंकि जहूराबाद में जो छोटी जातियां होती हैं उनका ज्यादा वहां पे आंकड़ा है जो है, फिर भी ओम प्रकाश राजभर अभी अकेले मैदान में उनके खिलाफ कोई अभी खड़ा नहीं हुआ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन फिलहाल अभी उनके सामने कोई भी ऐसा प्रत्याशी अभी खड़ा नहीं है। जी पवन, आज नामांकन के लिए आ रहे हो राज भर तो जो कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी की लहर तो जरूर देखने को मिल रही होगी, और क्या कुछ देखने को मिल रहा है कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर? जी हम आपको बता दें कि अभी हम जहाँ पे कलेक्ट परिसर थोड़ी दूर पे है, अभी हम बैरिकेडिंग के पास है, फिर भी हम आपको जानकारी देते हैं कि कड़ी सुरक्षा के मतलब की 10 से ज्यादा या 5 से ज्यादा कोई अंदर नहीं जा सकता, समर्थक बैरिकेडिंग के बाहर ही रह सकते हैं, सिर्फ नामांकन स्तर तक उनके जो साथ में दो लोग हैं और जो वकील होंगे वही जा सकते हैं। समर्थकों के लिए हम आपसे फिर से कॉन्टेक्ट करेंगे, वहां की भीड़ दिखाएंगे और ओम प्रकाश राजभर जी से भी हम चर्चा करेंगे। कितने बजे नामांकन करेंगे ओपी राजभर? पवन अभी मैम नामांकन स्थल पहुंचे नहीं है, हम आपसे एक बड़ी खबर और बता दे रहे हैं, समनिया विधायक सुनीता सिंह भी उनका भी अभी अभी हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई है जी। उनका भी अभी नामांकन आज ही होगा। जी बिल्कुल, हर एक अपडेट पे नजर रखिए पवन और जानकारी देते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आज जहूराबाद सीट से नामांकन करेंगे ओपी राजभर, अभी हालांकि वो नामांकन के लिए पहुंचे नहीं हैं और बीजेपी द्वारा उनकी सामने कोई कैंडिडेट भी नहीं उतारा गया है, तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इधर ओपी राजभर नामांकन करते हैं तो बीजेपी से कौन सा प्रत्याशी उतारा जाता है, क्या सीधी टक्कर देगी बीजेपी सीट पे या नहीं देगी, क्योंकि पहले बीजेपी के सहयोगी रह चुके हैं और गठबंधन हो चुका है इससे पहले, तो ये देखना दिलचस्प होगा तो क्या बीजेपी प्रत्याशी उतारती है या नहीं। रुक करते अगली खबर की तरफ, चुनाव प्रचार खत्म होने का समय नजदीक आते ही सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, शुक्रवार और शनिवार को दलों के स्टार प्रचारक मैदान में उतरेंगे, इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह सीएम योगी शाहजहांपुर दौरे पर जाएंगे, गृह मंत्री अमित शाह तिलहर विधानसभा क्षेत्र के निगोही के ढड़िया बाजार में भाजपा प्रत्याशी सलोन कुशवाहा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि सीएम योगी पुवाया इंटर कॉलेज के मैदान में और ददरौला के भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह के समर्थन में कांट के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज शाहजहांपुर में अमित शाह और सीएम योगी दोनों एक साथ रहेंगे मौजूद, जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ अपने प्रत्याशियों के लिए यानी जो बीजेपी द्वारा प्रत्याशी खड़े किए गए हैं उनके लिए चुनाव में अपील करेंगे, चुनाव के लिए अपील करेंगे, वोट की अपील करेंगे। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता शाहजहांपुर से जुड़ चुके हैं आर्येंद्र। आर्येंद्र, कितने बजे कार्यक्रम होना है, अमित शाह और सीएम योगी कितने बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे? देखिए, ये जो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जो आज दौरा है शाहजहांपुर में, ये जो है पुवाया विधानसभा में जो है यहाँ पर आएंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बताते हैं कि जो गृह मंत्री अमित शाह है वह सलोना कुशवाहा के लिए तिलहर में एक जनसभा संबोधित करेंगे, डडिया बाजार निगोई क्षेत्र में, वहां जनसभा के दौरान लोगों से डोर टू डोर वोट मांगने की अपील करेंगे। और साथ ही आपको बताते हैं कि जो काकोरी जलालाबाद शहीद इंटर कॉलेज, यहाँ पर भी एक जनसभा को लगता है संबोधित करने जा रहे हैं, और इससे पहले जलालाबाद में एक जनसभा संबोधित की थी योगी आदित्यनाथ ने। कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से शाहजहांपुर में जो दिग्गज नेता
बड़े बड़े दिग्गज नेता जनसंपर्क का डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार शाहजहांपुर में कमल है खिलने जा रहा है, क्यों असर देखने को मिलना है लगातार है, जो यहाँ पर लगता था अटकलें थी वो बढ़ रही थी भाजपा को लेकर, लेकिन अब कहीं ना कहीं सुधार होता दिख रहा है, जिस तरीके से दिग्गज नेता आ रहे हैं, चुनावी माहौल है, चुनाव खत्म होने जा रहा है और जो है 14 फरवरी के लिए शाहजहांपुर जनपद में वोट डाले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो बीजेपी है वो अपना जो है सही साबित कर रही है और लोग जो है इनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, दिखाई दे रही है। और इंद्र, कुल कितनी विधानसभा में आज कार्यक्रम है दोनों मुख्य बीजेपी नेताओं का और कितने बजे कार्यक्रम रहेगा? देखिए जो योगी आदित्यनाथ हैं वो पुवाया में लगभग जो है 3 बजे करीबन पहुंचेंगे, और जहां आपको बता दें कि अमित शाह हैं वो लगभग 12 बजे पहुंचने की संभावना बताई जा रही है कि 12 बजे है जो गड़िया बाजार निगोई में पहुंचेंगे, जहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे, 12 बजे वहां उनकी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और विधानसभा को देखते हुए शाहजहांपुर का दौरा, जिस तरीके से आज जो है शाहजहांपुर में दो दिग्गज नेताओं का लगातार हो रहा है, इससे पहले भी और दौरे हो चुके हैं। बिल्कुल आर्यन्द्र, बीजेपी की तरफ से तो दिग्गज नेताओं को उतारा जा रहा है स्टार प्रचारक के तौर पर, अमित शाह और सीएम योगी दोनों मौजूद रहेंगे, सपा द्वारा अभी तक क्या कुछ तैयारी की गई है? समाजवादी की पार्टी अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के जो है बताया जा रहा है कि परसों में 13 फरवरी के लिए जो है राष्ट्रीय अखिलेश यादव जो है भाजपा के वो सॉरी समाजवादी पार्टी के वो भी यहाँ पर एक दौरा करेंगे शाहजहांपुर का, जहाँ पर उनके लिए डोर टू डोर बताया जा रहा है जनसंपर्क करेंगे। जी, तो क्या अमित शाह या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ में से कोई जनसंपर्क करता हुआ डोर टू डोर कैंपेन करता हुआ नजर आएगा? देखिए अभी ऐसी कोई सूचना भी नहीं मिल रही है हालांकि, लेकिन हाँ जो है कि जहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे वहां पर उनसे लोगों को भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी होगी, उनसे जनसंपर्क के दौरान भाजपा पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे और साथ ही उपलब्धियां गिनाएंगे। अभी हाल ही में कल जो जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कटरा में विपक्ष के ऊपर हमला बोला था कि जो समाजवादी पार्टी का जो है नामो निशान मिटा दिया जाएगा और जो समाजवादी पार्टी का नाम है वह समाप्तवादी पार्टी रख दिया जाए, जो केशव प्रसाद ने जिस तरीके से बयान दिया था, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि जो भाजपा का है कमल है वो खिलता दिखाई दे रहा है इस बार कटरा विधानसभा से भी, लेकिन इसकी अटकलें हैं लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अब है जो जिस तरीके से अटकलें हैं वो कम होती दिखाई दे रही है, जो दिग्गज नेता है वो जनसंपर्क कर रहे हैं। जी आर्यन्द्र, बीजेपी ने अपने कौन कौन से उम्मीदवार उतारे सभी विधानसभा में और उनको कौन सी पार्टी के प्रत्याशी टक्कर दे रहे हैं? देखिए अगर जलालाबाद विधानसभा से उन्होंने हरिप्रकाश वर्मा को उतारा है, जो पूर्व में बता दें आपको जिला अध्यक्ष रहे थे भाजपा से, वो उनको उतारा है, यहाँ पर दिग्गज नेता है और कहे जाने के साथ में ये यहाँ पर जो नीरज कुशवाहा के लिए जबरदस्त, जो समाजवादी पार्टी के नेता है नीरज कुशवाहा मौर्य, उनके लिए जबरदस्त इस बार टक्कर दे रहे हैं और यहाँ पर गढ़ माना जाता था समाजवादी पार्टी का, लेकिन इस बार कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से दिग्गज नेता उतारे गए हैं तो बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं और लोग उनके पक्ष में वोट डालने के लिए लेकर उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चुनावी सर्वे से पता चलता है कि यहाँ पर जो है कमल खेलता हुआ विधानसभा जलालाबाद में दिखाई देगा, इसी तरीके से कटरा में भी वीर विक्रम प्रिंस के लिए जो जिस तरीके से चुनावी माहौल देखा जा रहा है, तो कहीं ना इस बार भी 2017 में उन्होंने जीत हासिल की थी, लगता है कि 2022 में भी ये विधानसभा चुनाव से विधायक बनने की उम्मीद दिख रही है, उसी तरीके से सलोना कुशवाहा जो है तिलहार विधानसभा से, वहां भी उनका चेंजिंग किया था, पूर्व में वो आपको बता दें कि रोशनलाल वर्मा रहे थे, उनको टिकट काटा गया, इस बार सलोना कुशवाहा जो महिलाएं उतारी गई है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस बार जो है कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि सुरेश कुमार खन्ना, तो ये जो जिस तरीके से वोट मारा है शाहजहांपुर विधानसभा से, तो ये इनका भी लगता है कि इस बार जो है थोड़ा दिक्कतें अटकलें इनकी बढ़ रही है, क्योंकि लोग विरोध कर रहे हैं लगातार कि इन्होंने विकास कार्य नहीं किया इस शाहजहांपुर विधानसभा में, सिर्फ खाना पूर्ति की, तो अगर इनका अभी एक हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, लोगों ने एक धरना प्रदर्शन दिया था कि यहाँ पर सड़क नहीं होगी तो वोट नहीं दिया जाएगा, तो इनकी कहीं ना कहीं अटकलें बढ़ती नजर दिखाई दे रही है। बाकी विधानसभाएं जो है भाजपा के पक्ष में काम कर रही है सभी और बहुत बेहतरीन इनका जो है कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आर्यन्द्र जुड़े थे शाहजहांपुर से। सीएम योगी और अमित शाह आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जनता के बीच पहुंचकर अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, साथ ही वोट की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।